6 सितंबर की शीर्वदान में उसका स्वागत है। परमात्मा पिता कहते हैं कि ज्ञान रत्नों को धारण कर व्यर्थ को समाप्त करने वाले होली हंस भवा। होली हंस की दो विशेषताएं हैं, एक है ज्ञान रत्न चुगना और दूसरा निर्णय शक्ति द्वारा दूध और पानी को अलग करना। मतलब क्या बात अच्छी है, क्या बात बुरी है, क्या बात पवित्र है, क्या बात अपवित्र है, क्या बात व्यर्थ है, क्या बात समर्थ है, इन बातों को छुटाना, मतलब अलग अलग करना। दूध और पानी का अर्थ है समर्थ और व्यर्थ का निर्णय, कौन सी चीज़ मुझे शक्तिशाली बनाएगी, क्या चीज़ों के बारे में सोचूं मैं ज़्यादा लंबा ताकि मेरे अंदर शक्ति आए, और क्या चीज़ों के बारे में मैं ना सोचूं ताकि मेरी शक्ति ड्रेन आउट ना हो जाए। व्यर्थ को पानी के समान कहते हैं और समर्थ को दूध समान, मतलब प्योर है वो, वाइट सिंबल ऑफ प्योरिटी, वाइट। तो व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात होली हंस बनना। हर समय बुद्धि में ज्ञान रत्न चलते रहें, मनन चलता रहे तो रत्नों से भरपूर हो जाएंगे। परमात्मा ने जो भी हमें सिखाया है ब्रह्म कुमारी में, उसके हिसाब से हम जब दुनिया, उस नज़रिए से जब हम दुनिया को देखते हैं तो हमारे अंदर ज्ञान के पॉइंट्स चलते हैं, विजडम आती है हमारे अंदर, हमें समझ आती है, सच सद्बुद्धि आती है हमारे अंदर, और उस कारण से हम ज्ञान के रत्नों से भरपूर हो जाते हैं। पर इसको एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए मुरली पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए मेडिटेट करना बहुत ज़रूरी है। ओम शांति।